अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम बिलाल अहमद वानी है जी। मैं कोयल में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा जी। मेरे पास 15 कनाल ज़मीन है, उसमें सेब के बाग हैं। पिछले 15 सालों से मैं अपनी खेती बाड़ी कर रहा हूँ, सेब के बाग के साथ हूँ जी। पिछले 3 सालों से यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे नई नई डिजीज़ आ रही है, हमें प्रॉब्लम हो रही है, बहुत परेशान हैं हम, क्योंकि मौसम भी ठीक नहीं रहता है यहाँ पे। बारिश की वजह से यहाँ पे नए नए डिजीज़ आते हैं, नई नई बीमारियाँ आती है, और नई नई लीफ माइनर भी आता है, स्कैब भी आती है, अल्टरनेरिया भी आता है। इसीलिए हम बहुत परेशान हो गए, हम इसका हल ढूंढना चाहते हैं, मतलब इसकी दवाई ऐसी निकलना चाहिए कि हमें परेशानी ना हो। हमने बहुत सारी दवाइयाँ भी की हैं लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है, कोई मतलब स्कैब कंट्रोल नहीं होती, अल्टरनेरिया कंट्रोल नहीं होता है, लीफ माइनर कंट्रोल नहीं होता है। उसकी वजह से हमें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, मतलब रेट भी उतनी नहीं आती है फिर सेबों की, तो यहाँ पे खर्चे ज़्यादा आते हैं और मतलब ग्रोवर बहुत परेशान हैं जी। मैंने इस साल बासब के मतलब जो स्मार्ट स्प्रे शेड्यूल दिए हैं हमने इस साल वो किए हैं, तो उससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो जब पेटल फॉल पे हमने ये सर्कडिस प्लस दिया है, उससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, स्कैब से बच गए हैं। तो फिर पीनट पे मैंने मैरीवान किया है, उससे तो बहुत ही बढ़िया मतलब रिजल्ट्स दिए उसने। फिर वायलेंट स्टेज पे मैंने वो कैप्रियोटॉप दिया है, फिर और भी मतलब जो है पॉलीराम है, लास्ट स्टेज में मैंने सिग्नम दिया है। इस साल मेरे बगीचे में कोई भी बीमारी नहीं है, वो सेब की मतलब जो ग्रोथ है वो भी अच्छी हो गई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस साल जो बस अपने वो स्मार्ट स्प्रे का शेड्यूल दिया है वो मैंने किया है, कोई भी स्प्रे मिस नहीं किया है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे बगीचे में पिछले 2-3 सालों से जो बीमारियाँ आती थी वो नहीं है इस साल, इस साल बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। एज़ अ स्मार्ट फार्मर जो शेड्यूल दिया था स्मार्ट स्प्रे मतलब बासफ ने, मैंने इस साल पहली बार यूज़ किया है अपने बगीचे में, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ। BASF, we create chemistry.